क्या आम जनता को अंदाजा है कि हमारा यूनिवर्स कितना इंसेनली बड़ा है? डैम, ये तो सोच से परे निकला यार। ये टास्क वैसे काफी इजी होने वाला है। सो आम जनता को बस इन नेम्स को ऊपर से नीचे छोटे से बड़े ऑर्डर में लगाना है, और हम उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो मुझे और आपको लगता है कि इन्हें पता होना चाहिए, पर क्या सच में इन्हें पता होंगे? अब मुझे पता चलेगा कि मैं कितना बड़ा साइंस गीक हूँ। तो मून कितना बड़ा होता है? मुझे लगता है मून सबसे छोटा है। स्टार्स सबसे छोटे होते हैं। पर सन भी तो एक स्टार है। आप तो साइंस टेस्ट ले रहे हो, शायद प्लेनेट सबसे छोटे होते हैं। मेरे हिसाब से तो प्लेनेट सबसे ऊपर आएंगे। क्या सूर्य चांद से छोटा है? ये तो प्लेनेट पे डिपेंड करता है ना। हाँ, करता तो है, पर हम एवरेज साइज कंसीडर करते हैं। स्टार्स, फिर मून्स और स्टार्स। यस, प्लेनेट के अराउंड होते हैं। सन भी एक स्टार है, राइट? हाँ बिल्कुल। हाँ, ये तुम्हें लगता है ये अगला है? मुझे नहीं पता, तुम देखो। हम गैलेक्सी की बात कर रहे हैं ब्रो, कितनी बड़ी होती है, सब कुछ होता है उसमें। अच्छा, हम गैलेक्सी की बात कर रहे हैं। ठीक है ब्रो। मुझे लगता है पहले ये आएगा फिर ये आएगा। सही कहा। हाँ, जब तक हम मल्टीवर्स की बात नहीं कर रहे तब तक सब ठीक है। आप इसे ले जा रहे हो फोर डायमेंशन में, मानी जाना। मेरे ख्याल से मून ज्यादा बड़ा है ना? आपको ऐसा लगता है? हाँ, वो सन से बड़ा तो है। हाँ, क्या आप मुझे कोई साइंस लेसन सिखाने वाले हो? हाँ, मतलब थोड़ी बहुत तो साइंस है इसमें। ओके, हम लोग कोई एस्ट्रोनॉमी स्टूडेंट्स नहीं है। अच्छा, मून किसे कहते हैं, और एक मून एक प्लैनेट से अलग कैसे होता है? चांद एक धूल का गुब्बारा है शायद। एस्ट्रोनॉमिकल वे में इनकी कोई डेफिनेशन होती है जहाँ इनकी कंडीशन फुलफिल होती है, मीटियोर जैसा कुछ? प्लैनेट्स पर वैसे जीवन होता है या हो सकता है या आगे जाकर होगा। और प्लैनेट का खुद का एक ऐसा होता है एटमॉस्फेयर। हाँ, उनका खुद का एटमॉस्फेयर होता है। हमारे चांद और पृथ्वी का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग अलग है। एटमॉस्फेयर के होने से प्लेनेट बनता है। मैं समझ सकता हूँ कि ज्यादातर लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी अर्थ के पास में अपना एटमॉस्फेयर है, वहीं पे मून के पास में नहीं है। पर ये पॉइंट सही नहीं है, क्योंकि सैटर्न के मून टाइटन के पास एक अच्छा खासा घना एटमॉस्फेयर है, वहीं पे मरकरी के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो अगर एटमॉस्फेयर प्लेनेट को प्लेनेट नहीं बनाता है, तो फिर वो कौन सी चीज है? हम नहीं जानते कि चांद पर एलियंस है या नहीं। आपको लगता है कि चांद पर एलियंस है? हो भी सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। आई थिंक प्लैनेट्स के कोई ना कोई तो चक्कर लगाता है। आई थिंक उन्हें नेचुरल सैटेलाइट्स कहते हैं। एक प्लैनेट के अराउंड हमेशा कुछ मून चक्कर लगाते हैं, पर एक मून के कोई प्लैनेट चक्कर नहीं लगाता। कितने प्लैनेट्स हम जानते हैं? कुछ भी नहीं पता। होंगे यार 7 या 8। 7 या 9। अपने सोलर सिस्टम में 11 प्लैनेट्स है क्या? आई थिंक एक प्लैनेट बनने के लिए एक पर्टिकुलर साइज होना चाहिए। लाइक प्लूटो प्लैनेट नहीं है क्योंकि वो काफी छोटा है। प्लूटो को अब हम प्लैनेट नहीं बुलाते। टेक्निकली प्लूटो प्लैनेट नहीं है। हाँ, प्लूटो की दुख भरी दास्तां सबको पता है, क्योंकि सबको प्लूटो पसंद है। 1930 में जब प्लूटो को पहली बार देखा गया, तब से ही उसे 9th प्लैनेट का दर्जा मिल गया था। पर जल्द ही ये सामने आया कि प्लूटो में कुछ तो गड़बड़ है, और कहानी पूरी तरह से तब बदल गई जब 5th जनवरी 2005 में एस्ट्रोनॉमर्स को क्यूपर बेल्ट में एरिस मिला, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास प्लूटो से 30 गुना ज्यादा बड़ा था। और एरिस जैसे ढेर सारे प्रोजेक्ट्स मिलते ही जा रहे थे, तो साइंटिस्ट को एक मुश्किल फैसला लेना था। या तो इन सभी नए ऑब्जेक्ट्स को प्लैनेट्स घोषित कर दिया जाए, या फिर प्लूटो से ही प्लैनेट का दर्जा छीन लें। फिर 2006 में प्लैनेट्स की एक नई डेफिनेशन लाई गई। हमें उसे छोड़ना होगा। प्लूटो प्लैनेट नहीं है, उसके पास वो ओहदा नहीं रहा। तो हम भूल जाइए उसे, हमारा जो चांद है प्लूटो से 5 गुना ज्यादा बड़ा है। क्या वो मायने नहीं रखता? तो चांद प्लैनेट है? नहीं, वो एक चांद है। अब एक प्लैनेट बनने के लिए एक ऑब्जेक्ट को 3 क्राइटेरिया पूरे करने होते हैं। पहला, वो सन के ऑर्बिट में होना चाहिए। दूसरा, उसके पास खुद की इतनी ग्रेविटी होनी चाहिए जिससे कि उसका शेप राउंड हो। और तीसरा, इसका अपने एरिया में दबदबा होना चाहिए, मतलब कि अपने एरिया में उसकी ग्रेविटी सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए। प्लूटो पहले 2 क्राइटेरिया तो मीट करता था, पर थर्ड वाला नहीं। तो अब प्लूटो को छोड़कर हमारे पास कौन से प्लैनेट्स बचे हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। 8 है। बढ़िया, और तुम्हें इनके नाम भी याद हैं। बोनस पॉइंट्स बनते हैं यहाँ पे। अच्छा, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर कितने प्लैनेट्स हैं? शायद कुछ 1,000-2,000 के करीब होंगे, और क्या, या शायद कुछ लाख। हाँ, उससे तो अगर जितने हम जानते हैं उसकी बात करें तो अभी 5,000 प्लैनेट्स हमारी नजर में। पर हाँ, आप सही कह रहे हो कि अभी कई सारे हैं जिन्हें हम अभी नहीं जानते हैं, हमने उन्हें अभी देखा भी नहीं है। सबसे छोटा मून होता है, उससे बड़े प्लैनेट्स होते हैं, उससे बड़े स्टार्स होते हैं। अब बताइए, स्टार क्या होता है? शायद एक मरा हुआ प्लैनेट जो बस हीट छोड़ता रहता है।
शायद गैस की बॉल्स जो हमेशा एक्सप्लोड होती रहती है और अंदर से दिखती भी नहीं है। पता नहीं ये आते कहाँ से है, क्या आप बताओगे? हमारे पास में एक अच्छे अमाउंट में हाइड्रोजन और हीलियम है जो आपस में ग्रेविटी की वजह से मिलकर साथ में आते हैं और उससे एक स्टार बनता है, जिनके बीच में फ्यूजन होता है और उससे ही एक्सप्लोजन होते हैं, उसी से हीट बनती है और फोटॉन्स निकलते हैं। आपने तो एकदम नई बात बता दी, मुझे तो पता ही नहीं था। बढ़िया, हमारे सन में 8 प्लेनेट फिट हो जाएंगे राइट? 10 लाख अर्थ, इतना गलत कैसे हो सकता हूँ, स्टूपिड हूँ मैं तो। नहीं, पर ये काफी ज्यादा है। इसे ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, कई सौ मून्स, लाखों करोड़ों एस्ट्रॉइड्स और भी बहुत कुछ। पर अगर मास के नजरिए से देखें, इन सबका मास मिलकर हमारे सोलर सिस्टम का बस 0.14% मास ही है, एंड बाकी का 99.86% मास सिर्फ हमारे सन का ही है। इतना विशाल और इतना ज्यादा मैसिव है हमारा सन। सबसे छोटा मून, उसके बाद प्लैनेट्स, फिर स्टार्स। पर ये गैलेक्सी क्या होती है? मेरे हिसाब से प्लैनेट्स का एक ग्रुप जो एक पर्टिकुलर जगह में रहता है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में कई सारे प्लैनेट्स हैं, वैसे ही हमारी गैलेक्सी में कई सारे सोलर सिस्टम्स हैं। ढेर सारे स्टार, मून्स, प्लैनेट्स सब मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं। गैलेक्सी शायद सोलर सिस्टम्स के कलेक्शंस को कहते हैं। कितने सोलर सिस्टम हो सकते हैं इस कलेक्शन में? गैलेक्सी कितनी बड़ी हो सकती है और उसमें स्टार कितने हो सकते हैं? मुझे नहीं पता। किसी को फोन लगाना है? 60,000। कुछ लाख शायद, लाखों में तो होंगे, करोड़ दो करोड़ तो होंगे शायद। एक गैलेक्सी में कितने स्टार्स होते हैं नॉर्मली, कोई अंदाजा रफली? शायद कुछ करोड़ होंगे, 1 करोड़, 1 अरब, 100 अरब होते हैं। तुम्हारा तुक्का बहुत पीछे रह गया। 100 अरब, इतने ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये भी, ये गैलेक्सी के साइज पे डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी है वो, और लाइक 100 अरब, 200 अरब, 50 अरब, इतने स्टार्स होते हैं नॉर्मली गैलेक्सीज में। और अच्छा, मैं कहूँ तो औसतन 100 अरब होते हैं, राइट? 10 अरब, काफी यस, ज्यादा है यार। हाँ, काफी ज्यादा है ना। इस क्वेश्चन का जवाब दो कि हमारी पृथ्वी में पेड़ ज्यादा है या गैलेक्सी में स्टार्स। क्या क्या पूछते हो यार, अब मैं कोई मैथमेटिशियन की तरह तो नहीं सोच सकता जो सरफेस एरिया निकालेगा, फिर कुछ ऑपरेशंस करेगा और फिर काउंट निकालेगा। हाँ चलो मैं बताता हूँ। देखो, जितने स्टार्स हमारी गैलेक्सी में, उससे कहीं ज्यादा ट्रीज हमारी अर्थ पर हैं। अब फिगर्स कौन याद रखता है यार। तो एक गैलेक्सी कई सारे स्टार, प्लैनेट्स, मेटियोर्स, सोलर सिस्टम, डार्क मैटर और कई सारे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है जो ग्रेविटी से बंधे होते हैं। अच्छा, मिल्की वे गैलेक्सी के आसपास क्या है? और ज्यादा गैलेक्सीज, और गैलेक्सीज हैं, बट वो काफी दूर हैं, एक दूसरे से काफी दूर नहीं, तो उनके बीच में क्या है? हर तरह की चीजें, जैसे सुपरनोवाज, डार्क मैटर, स्टार्स। पता है, एक चीज है जो मेरे ही होश उड़ा देती है और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या लोगों को पता है कि नहीं, कि मिल्की वे काफी बड़ी, लाइक काफी बड़ी, 100 लाइट ईयर्स में फैली हुई है, पर वो एक गैलेक्सी है। फिर हमारे आसपास कुछ भी नहीं है। वाओ, ये तो मतलब बिल्कुल खाली जगह। हाँ। ये ऐसा है जैसे अर्थ पर कॉन्टिनेंट्स होते हैं और उसके चारों ओर ढेर सारा पानी, एंड फिर बहुत दूर एक और गैलेक्सी, और फिर कुछ गैलेक्सी, फिर कुछ नहीं, फिर कुछ गैलेक्सी, फिर कुछ नहीं। पर असलियत में ये ऐसा दिखता है क्योंकि गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स का। यहां जूम आउट करते जाएं तो आप देखेंगे कि कुछ गैलेक्सीज मिलकर ग्रुप बनाती हैं जिन्हें हम क्लस्टर्स बोलते हैं, एंड क्लस्टर्स के ग्रुप को सुपर क्लस्टर बोलते हैं, एंड सुपर क्लस्टर्स के बीच बेहिसाब खाली जगह होती है बहुत ज्यादा। यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं? तुक्का मारता हूँ शायद 20-30, ज्यादा से ज्यादा। हमारे यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं? ऊपर वाला ही जाने। शायद 12, उससे भी ज्यादा, और भी 20? बहुत ज्यादा इससे तो, उससे भी ज्यादा। मैं मेरे कहता हूँ 100, 100 से भी ज्यादा। कुछ हजार, हजार से भी ज्यादा। अरे बाप रे, 10,000। 10,000, 10,000 बोला है, 10,000 पता नहीं कितनी है यार। I mean, हर गैलेक्सी में 100 अरब स्टार्स हैं, ये काफी ज्यादा हो गए। 16,482, शायद कुछ लाख, कुछ करोड़, कुछ अरब, 1 बिलियन। अच्छा, ये भी कम है क्या? 1 अरब गैलेक्सीज और हर एक में 100 अरब स्टार्स। मैं कहूँगा कि हमारी जानकारी में 10 बिलियन है शायद। अब तुम ही बता दो। सही जवाब है
सही जवाब है, हमारे यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं? 100 अरब है क्या? सही जवाब है 100 अरब। हैं? मजाक कर रहे हो तुम? लगभग 100 अरब गैलेक्सीज हैं। अरे बाप रे, सीरियसली? नहीं, 100 अरब हैं। डैम, इतनी ज्यादा? हाँ, काफी ज्यादा। 100 अरब गैलेक्सीज हैं हमारे यूनिवर्स में। और ये बस गैलेक्सीज हैं? हाँ, और हर गैलेक्सी में 100 अरब स्टार्स और हैं। ठीक है, तो हाँ, हाँ थोड़े चक्कर तो आ रहे हैं, है ना? हाँ। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब हमारी सोच से भी बहुत बड़ा है। ज्यादातर लोगों को अंदाजा नहीं कि हमारा यूनिवर्स कितना ज्यादा बड़ा है। ये बहुत बड़ा है, बहुत बहुत ज्यादा बड़ा। राइट। और यूनिवर्स इससे भी बड़ा हो सकता है। 100 अरब गैलेक्सीज तो एक एस्टिमेट है। कुछ का तो मानना है कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। और इन गैलेक्सीज के बीच क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं, कितना अजीब है ना यूनिवर्स हमारा। और हर स्टार के पास लगभग 6 प्लैनेट्स हैं। सो अंदाजा लगा सकते हो कि 100 अरब स्टार्स, फिर 100 अरब गैलेक्सीज टाइम्स 6, तो लगभग इतने प्लैनेट्स हो सकते हैं हमारे यूनिवर्स में। तो यूनिवर्स बहुत बड़ा है। हाँ, ये काफी बड़ा है, काफी बड़ा। वाओ, ऐसा जानकर मुझे तो सुकून मिल रहा है, जैसे सब कुछ एक धूल के बराबर है, कुछ मायने नहीं रखता। और हम तुच्छ प्राणी में समझ गया आपका उपदेश। कैसा लग रहा है ये सब जानकर? बहुत छोटा। मुझे छोटा नहीं लगता। तुम्हें लगता तो है कि हम बड़े हैं? नहीं, बड़े नहीं, पर यू नो, फिर भी मुझे लगता है कि इस यूनिवर्स में हमारे इस अर्थ की, खासकर इस प्लेनेट की काफी स्पेशल जगह है। समझ रहे हो ना, ये सबसे अलग है। हाँ। 14 फरवरी 1999 वॉयजर 1 हमारे सन से लगभग 6 अरब किलोमीटर दूर था जब उसने हमारे अर्थ की ये तस्वीर खींची थी। इसमें आपको कुछ सन की किरणें और बस एक ब्लू लाइट डॉट दिख रहा होगा। कार्ल सैगन इसे मुझसे अच्छा डिस्क्राइब कर पाएंगे। इस डॉट को देखिए, यही सब कुछ है, यही हमारा घर है, यही हम सब हैं, जिसे आप प्यार करते हैं, जिसे आप जानते हैं, जिसे आप कभी जान सकोगे। हर इंसान जिसने अपनी जिंदगी जी है, हर हीरो, हर दुश्मन, हर एक रचनाकार, हर एक इंसानियत का दुश्मन, प्यार में डूबा प्रेमी जोड़ा, हर माता पिता, सारे इन्वेंटर्स, सारे एक्सप्लोरर्स, सारे सुपरस्टार्स, सारे सुप्रीम लीडर्स, सारे महापुरुष, सारे पापी, हमारे इंसानों के पूरे इतिहास में हर कोई इस धूप की किरण में ठहरे हुए इस छोटे से कण में रह रहे हैं। हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड में बहुत छोटी सी है। इससे हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम एक दूसरे के साथ और प्यार से रहें और हमारे इस ब्लू डॉट को बहुत हिफाजत से रखें, क्योंकि यही हमारा इकलौता घर है। मुझे खुशी है कि आज मुझे कुछ नया सीखने को मिला है। अच्छा लगता है ना, मुझे भी आपके अंदर चीजों को जानने की इतनी चाह देखकर अच्छा लगा। आई थिंक लोग नई चीजें ट्राई नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मिस्टेक कर देंगे, पर मिस्टेक से ही तो हम कुछ नया सीख सकते हैं।